आसनसोल शहर के गिरजा मोड़ से बीएनआर मोड़ तक सड़क के किनारे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने विरोध जताया और जीटी रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इस अभियान के दौरान किसी प्रकार की अशांति न हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही नगर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो दुकानदार भड़क गए और नगर निगम की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। आंखों के सामने दुकानों पर बुलडोजर चलता हुआ देखकर दुकानदार उत्तेजित हो गए और नगर निगम के अधिकारियों से उलझ पड़े। इस दौरान इलाके में उत्तेजनापूर्ण स्थिति देखी गई। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस बारे में आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिन दुकानदारों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें काफी पहले ही नोटिस दी गई थी। इतना ही नहीं, नगर निगम के तरफ से माइकिंग कर भी दुकानदारों से जमीन खाली करने का अनुरोध किया गया था। इधर की नोटिस दवा हुई थी ऑलरेडी, इधर के एक मास आगे तक नोटिस दिया हुआ है, अनाउंसमेंट करा है सभी के, जे अपना एक सोरे जान एक রাস্তার উপরে যারা আছেন ওই তাদেরকে বলা হয়েছে এখান থেকে সরে যান, কিন্তু এখনো কোনো সরানো হয়নি। যে আমাদের অথরিটি তারপর ডিসিশন নিয়েছে আর কি, যে এগুলোকে একটু হয়তো সাইড করে দিয়ে শহরকে জানাতো সুন্দর সুন্দর। জানুয়ারি মাসে নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল, তারপরে নোটিশ পাইনি কোনো। নোটিশ তো নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারপরে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছে আর কি। নোটিশটা তো একবারই দেবে, কবার দেবে নোটিশ আর কি। बताया जा रहा है कि आसनसोल नगर निगम द्वारा 28 अप्रैल को बीएनआर ब्रिज तक और 29 अप्रैल को जुबली मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वर्षों से दुकान चलाकर अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। लोग बोला कि सामान निकालिए, जैसे सामान निकालने गया उसके बाद जैसी भी फटाफट चलाने लगा, वो तो सब मिलकर टान लेने तो उसका मौत हो जाता। इन लोगों मना किया क्या, थोड़ा सा रुक जाइए सामान सब, बोले ठीक है निकालो, इजाजत दिया, उसके बाद जैसी भी चलाने लगा। पूरा ज्यादातर गलती वो जो इंजीनियर था उसका, पहले मिला कल कोई रिपोर्ट नहीं किया गया, अभी पेपर में भी हम लोग देखा जाए 29 तारीख आप लोग का तोड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा युक्त बना रहे थे, रात में खोलेंगे, लेकिन अभी सब प्रशासन आके यहाँ तोड़ताड़ कर रहा है। हम लोग इतना दिन से हम लोग यहाँ पे, हम लोग रोजी रोटी कहाँ करेंगे, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे। सरकार को ये सब देखना चाहिए ना, जो कैसे कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब हम लोग का बच्चा लोग छोटा छोटा क्या करेंगे। सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर हटाई गई दुकानों को तोड़ने के दौरान अचानक आग लग गई। इस घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर दमकल का इंजन घटना स्थल पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कांटी जगह बोल रहे हैं आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट,
आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। स्वास्थ्योज्जल देह सठीक पुष्टि, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा।